और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से। ओपी राजभर पर सपा का पोस्टर वार। वाराणसी में सपा कार्यकर्ताओं ने पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में अखिलेश यादव को शेर के तौर पर दिखाया गया है। ओपी राजभर पर भी निशाना साधने के लिए सपाइयों ने मोर्चा खोल दिया है और इसके लिए वाराणसी में पोस्टर लगाए गए हैं सपा के कार्यकर्ताओं की तरफ से। ओपी राजभर पर सपा का अब पोस्टर वार। बयानबाजी के बाद अब पोस्टर वार शुरू हो गया है। सपा कार्यकर्ताओं ने ये पोस्टर जारी किया है जिसमें अखिलेश यादव को शेर के तौर पर दिखाया गया है। तो वहीं ओपी राजभर पर निशाना साधने के लिए सपाइयों ने अब मोर्चा खोल दिया है। तो ये बड़ी खबर, अब पोस्टर वॉर शुरू हो गया है सपा और ओपी राजभर के बीच में। और इसके लिए वाराणसी में जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने पोस्टर लगाए हैं जिसमें अखिलेश यादव को शेर के तौर पर दिखाया गया है। तो देखिए, इस पूरे मामले पर अब खींचतान बढ़ती चली जा रही है। गठबंधन टूटने वाली जब से चिट्ठी आई है, समाजवादी पार्टी भी मुखर होकर के ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ बयान दिए जा रही है। ऐसे में देखिए, एक पोस्टर चस्पा किया गया है जिस पर बवाल होना संभव है। सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी नीतीश का, जो कि वाराणसी में मौजूद हैं। नीतीश, बयानबाजी से काम नहीं चल रहा था कि पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है, और अब इसके बाद क्या ये मान के चलें? इस पोस्टर का कंटेंट क्या है, जरा समझाइए दर्शकों को। लता, सबसे पहले मैं पोस्टर दिखा दूं, और पोस्टर जो जारी किए जिन सपा कार्यकर्ताओं ने ये पोस्टर जारी किए हैं इनको भी दिखा देता हूं। ये देखिए, ये पोस्टर इनके हाथों में है और इसमें शेरे हिंद माननीय श्री अखिलेश यादव की एक दहाड़ में बाप बेटे गीदड़ और चूहे के रूप में, यहां पर जो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो तस्वीर है वो शेर के रूप में है, और भाजपा नेता ओम प्रकाश राजभर की जो तस्वीर है इसको देखिए, ये अन्य यहाँ पे गिदड़ और इसके साथ ही अरविंद राजभर को यहाँ पर चूहे के रूप में दिखा दिया है। विषय क्या है, मकसद क्या है, क्या दिखाना चाह रहे हैं? मेरा नाम संदीप मिश्रा है, मैं बनारस में इस पोस्टर को जारी कर रहा हूँ, और पोस्टर को इसलिए जारी कर रहा हूँ, ये दलबदलू है, ये उसमें के जानवर है, जहाँ देखते हैं घास भूसा वहाँ दौड़ते हैं। इनको लगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है और ये तुरंत समाजवादी पार्टी से गठबंधन जोड़ लिए। ठीक है, जनता का जनादेश था, उसके बाद ये लोग भाग खड़े हुए। भागे इसलिए खड़े हुए क्योंकि ये घर में रहकर ऐसे विभीषण का काम करते हैं। इस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ रहकर ये भारतीय जनता पार्टी का काम करते थे और भारतीय जनता पार्टी के इशारे में काम करते थे। और हम आपको बता दें, एक पुरानी कहावत है, हाउ सुग्गा उगजी तो खाप, नहीं तो उड़ बसेरे जाप। तो ये सब उसमें के जानवर है कि अगर दिखेगा तो रहेंगे, नहीं तो भाग खड़े होंगे। ये चूहे के रूप में अरविंद राजभर को दिखा रहे हैं आप, गीदड़ के रूप में ओम प्रकाश राजभर को दिखा रहे हैं, ये क्या है? ये इधर बीते कई दिनों से ओम प्रकाश राजभर हमेशा बयान दिया करते थे, अखिलेश जी एसी से बाहर निकले। अरे मैं तुमको बताना चाहता हूँ ओम प्रकाश राजभर, एसी से बाहर अखिलेश यादव जी बचपन से रहे हैं, संघर्ष उन्होंने किया है, संघर्ष के दम पे सांसद है, देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री। अच्छा, रातों रात इन्होंने फोटोशॉप करके पोस्टर खुद से बनाया है या इससे सलाह मशवरा किया गया लखनऊ से कुछ? अखिलेश को पता है इस पोस्टर के बारे में? उन्होंने एक दहाड़ दी, तुम्हारा बेटा, दोनों भाग खड़े हुए। एक चीज जानना नहीं आ रहा, आप देख रहे होंगे चैनल पे, नहीं आ रहा है जी। एक चीज जानना चाहूंगा कि ये रातों रात ये पोस्टर बनाया है आपने या लखनऊ से कुछ बातचीत करके इसको जारी करना है, क्या किया है, ये पोस्टर के पीछे क्या है? और मंशा तो आप जता रहे हैं कि बड़ा निशाना साध रहे हैं, बड़े नाराज भी दिख रहे हैं ओम प्रकाश राजभर से, ये क्या है, इस पोस्टर के पीछे क्या है? ओम प्रकाश राजभर से मैं ही नाराज नहीं हूँ, ओम प्रकाश राजभर से उनके समाज के लोग भी नाराज हैं। इसलिए नाराज हैं कि उस कुछ जो लोग हैं और समाज के लोगों को लेकर वो जो एक नई राजनीति, कभी भाजपा में, कभी सपा में, कभी बसपा में, इधर उधर पलटू दल बदलू कर रहे हैं, इससे उनके समाज के लोग भी नाराज हैं। और ये किसी के कहने पर नहीं, मैंने किया है, मेरा अपना व्यक्तिगत कि सपा की ओर से इस पोस्टर को देखने के बाद क्या कहा जाता है। फिलहाल पोस्टर जो हाथ में लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं, देखना यह है कि अखिलेश यादव से सलाह मशवरा के बाद इसे फोटोशॉप किया गया था या अपने मर्जी से लेकर के इसे खड़े हैं। आप नीतीश नजर बना करके रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।